स्वागत करता हूँ। आज का सेशन योग आसन प्राणायाम, जो मॉर्निंग का वक्त, जो फ्रेश वातावरण, जो पंछियों की किलबिलाहट हमें जो सुनाई दे रही है, ठंड हवा स्पर्श हो रही है, उसका आनंद लेते हुए हमें योग की शुरुआत करनी है। आसन एक्सरसाइज प्राणायाम करते समय एक बात ध्यान में रखनी कि कोई भी आसन एक्सरसाइज जोर जबरदस्ती से नहीं करना है, ना कि उससे तकलीफ महसूस हो। जो आपके सेहत के लिए फायदेमंद हो, इसी तरीके से हमें एक्सरसाइज करना है। तो चलते हैं हम आसन एक्सरसाइज की ओर। हाथों की ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, रीढ़ के हड्डी को सीधा कर दो। एक गहरी सांस भरो, आहिस्ता छोड़िए, फिर और एक बार पूरी गहरी जितनी सांस भरते हो अपने लंग्स में, उतना ही आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। आहिस्ता छोड़िए, फिर दोबारा उसी तरीके से धीमी गति से छोड़िए, फिर और एक बार तीन बार हमें ओम का उच्चारण करना है। ओ इसके बाद जिसी का आप नामस्मरण करते हो, जो आपका श्रद्धा स्थान है, उसी को अपने आँखों के सामने लाते हुए, उसी को प्रणाम करते हुए हमें स्टार्ट करना है। तो वही आप मंत्र उच्चारण कर सकते हो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। आंखें बंद ही, मन में किसी प्रकार के विचार ना हो, एक अंतर्योग में हम विलीन होके जो ग्रीनरी का आनंद हमें अपने मन ही मन में उस प्रतिमा को सामने की तरफ देखने की कोशिश करनी है। जो ठंड हवा स्पर्श हो रही है, दोनों हाथों में क्लैप्स करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों में क्या कीजिए, घर्षण कीजिए, जब तक उसमें गर्माहट निर्माण नहीं होती है तब तक। आहिस्ता, जितना ज़्यादा आप घर्षण कर सकते हो, उतना ही आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। जब भी गर्माहट निर्माण हो तो आहिस्ता अपने आँखों को लगाइए, चेहरे को स्पर्श कीजिए, पूरे बॉडी को स्पर्श कीजिए। आहिस्ता धीमी गति से आँखें खोलिए, तब जाके देखो कितना फ्रेशनेस महसूस होता है। मॉर्निंग के वक्त जितने जल्दी आप योग को स्टार्ट करते हो, उतना ही आपको जो नेचुरल वातावरण होता है, जो हरियाली होती है, जो सूरज की किरणें उसी के ऊपर जब भी आते हैं, ये जो टाइमिंग्स होता है वो एक अलग ही आपको आनंद प्राप्त करता है। तो इसीलिए हम बंद रूम्स में जब भी हम योग करते हैं और बाहर बैठने के बाद उस आनंद, उस ग्रीनरी का अलग ही अपने आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलते हैं हम अभी लाइव सेशन की ओर।
लाइव सेशन करते समय ध्यान में रखना है कि कोई भी आसन एक्सरसाइज जोर जबरदस्ती से नहीं करना है, कि जिस आसन एक्सरसाइज में आपको करते समय कठिनाई हो उसको और जोर से खींचना नहीं है, धीमी गति से करना है। तो इसके बाद हम नॉर्मल वार्म अप करेंगे, सिटिंग पोजीशन के आसन करेंगे, शयन स्थिति के आसन करेंगे, और उसके बाद हम स्टैंडिंग पोजीशन में जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में हम प्राणायाम करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। स्टार्ट करने से पहले एक गहरी सांस भरिए, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चेंज, पहले एक साइड गर्दन को गोल घुमाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इजीली धीमी गति से। इसके बाद क्या करना है हमें, आहिस्ता जो आपका शोल्डर्स है, तो बैठे बैठे ही हमें शोल्डर्स को मूव करना है इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने फॉरवर्ड की तरफ किया है उसी तरीके से हमें अपोजिट साइड भी उसी तरीके से करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीमी गति से फिर से एक गहरी सांस भरिए, आहिस्ता दोनों हाथों के पंजे अपने चेस्ट के ऊपर लीजिए, आहिस्ता हमें पीछे की तरफ टर्न होना है धीमी गति से इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो इस तरीके से हम बैक की तरफ लेके जाते हैं, तो शोल्डर मसल्स के लिए, चेस्ट मसल्स के लिए, पूरी पीछे की तरफ हमारी जो बेंडिंग होती है, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जब भी सांसों के ऊपर अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हो तो उतना ही आपके सेहत के लिए फायदेमंद होता है, उतना ही ब्लड का संचार होता है प्रॉपर तरीके से। तो धीमी गति से सांस भरते हुए पहले एक साइड टर्न करना है, दूसरी साइड उसी तरीके से पंजे को स्पर्श कर दो आहिस्ता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। उसी तरीके से धीमी गति सांस भरते हुए, वंस अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीमी गति से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लीजिए, आहिस्ता दोनों हाथों की मूवमेंट कीजिए धीमी गति से, जितनी मूवमेंट कर सकते हो उंगलियों की, हाथों के पंजों की कोशिश करो,
धीमी गति से आहिस्ता दोनों हाथों को पूरी मूवमेंट करने की कोशिश करो। दाएं बाएं जितना घुमा सकते उतनी कोशिश कीजिए। मस्त, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेना है और पीछे की तरफ खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इजीली साइड पोजीशन में हमें टर्न हो जाना है। धीमी गति से साइड पोजीशन में टर्न होते हुए आहिस्ता धीमी गति से दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है। दोनों हाथों के पंजे अपने सर के पीछे इस तरीके से लेने और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो धीमी गति से पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दो। शवासन के माध्यम से आहिस्ता पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। धीमी गति से सांस लेनी है, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड, जितना बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो कोशिश करो। मस्त, बहुत बढ़िया। शवासन के माध्यम से आहिस्ता दोनों पाओ की साइकिलिंग करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इजीली दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए धीमी गति से प्रॉपर तरीके से। सिंगल पैर को फोल्ड करना है। इसके बाद सांस भरते हुए धीमी गति से आहिस्ता नजदीक लाइए। 1, होल्ड कीजिए धीमी गति, सांस छोड़ते हुए छोड़ना है। दूसरे पैर को उसी तरीके से 1, दूसरे पैर को उसी तरीके से 2, फिर से सांस छोड़ते उसको छोड़ देना है। वापस से लेफ्ट पैर को 2, थ्री, फोर, फाइव, 6, 6। सांस भरते हुए 7, 7, 8 पूरा होल्ड कीजिए धीमी गति से। 8, 9, बहुत ही बढ़िया। 9, 10 धीमी गति से दूसरे पैर को 10 रिलैक्स। शवासन पोजीशन विश्रांतिदायक आसन, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए धीमी गति से। मस्त, बहुत बढ़िया। इसके बाद नौकासन पोजीशन, पैरों को 30 के एंगल में, पैर को भी उठाना है, दोनों हाथों के पंजे को भी उठाना है। 1, 2, 3,
स्टार्ट। सांस भरते हुए दोनों पैरों को इस तरीके से उठाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इजीली धीमी गति से पैरों को छोड़िए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, रिलैक्स करना है। शवासन के माध्यम से इसके बाद एक पाद सेतु बंधासन होगा, जो कि पैर नजदीक होंगे और एक पैर सीधा ऊपर की तरफ खड़ा किया जाएगा। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है, एक बार मैं करके दिखाता हूँ। एक पैर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को नजदीक लेंगे और सिंगल पैर को आप इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, ये होंगी पोजिशन। तो फिर से मैं उसी तरीके से आसन को आपको किस तरीके से करना है वो दोहराता हूँ। दोनों पैरों को आहिस्ता सांस लेते हुए नजदीक लीजिए, मस्त, बहुत बढ़िया। इसके बाद दोनों हाथों के पंजे कमर को लगा दीजिए, जैसे कि हम रेगुलर सेतु बंधासन करते हैं, उसी में जो आपका सिंगल पैर है उसको एक पद सेतु बंधासन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आहिस्ता धीमी गति से पैर को रिलैक्स कर दो, मस्त। पैरों की तरफ का ब्लड अपनी हार्ट की तरफ प्रोवाइड होता है, एक पास सेतु बंधासन के माध्यम से आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद। हर एक आसन होने के बाद शवासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्त। धीमी गति सांस लीजिए और छोड़िए, पूरे बॉडी को रिलैक्स करो। दूसरे पैर को उसी तरीके से नजदीक लीजिए, फिर लेफ्ट वाले पैर को वापस से उसी तरीके से ऊपर उठाना है, धीमी धीमी गति से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीमी गति से आहिस्ता दोनों पैरों को साथ मिलाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से रिलैक्स करना है। शवासन विश्रांतिदायक आसन, करेक्ट। इसके बाद शांत स्थिति में ही मर्कटासन करेंगे, दोनों हाथों को सीधा कर दो शोल्डर के लेवल में, गर्दन राइट साइड। शवासन में ही मर्कटासन, इजीली एक पैर को नजदीक लो, एक पैर को सीधा रखो। जब भी राइट साइड में पैर को लेफ्ट साइड टर्न कर रहा हो तो गर्दन को लेफ्ट साइड, पैर राइट साइड। मर्कटासन स्टिफ डिसीज स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही फायदेमंद, पूरे बॉडी की अकड़न निकल जाती इस आसन के माध्यम से। रिलैक्स, फिर से शवासन पोजीशन, पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है इस आसन के माध्यम से। चेंज, लेफ्ट वाले पैर को सीधा रख दो, दोनों हाथों को सीधा कर दो, एक पैर को हमने फोल्ड किया है तो दूसरी साइड
गर्दन राइट साइड, तो पैर को लेफ्ट साइड हम टर्न कर रहे हैं, पूरा आलस निकल जाता है इस आसन के माध्यम से। मर्कटासन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो दर्द महसूस होता है, जिनका सिटिंग पोजीशन में काम होता है, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद। पूरी ट्विस्टिंग होती है इस आसन में, बॉडी चर्बी कम होती है, जो आलस होता है वो पूरा निकल जाता है इस आसन के माध्यम से। आहिस्ता रिलैक्स कर दो, दोनों हाथों में डिस्टेंस, दोनों पाँव में डिस्टेंस, शवासन के माध्यम से मस्त, बहुत बढ़िया। इसके बाद राइट के पंजे को टर्न कर दो, लेफ्ट के कोने का और राइट साइड हल्का सा टर्न हो जाइए धीमी गति से। टर्न बॉडी पोजीशन, सपोर्ट लेते हुए मकरासन पोजीशन में आपको चले जाना है। इस तरीके से दोनों हाथों के पंजों के ऊपर आपका मस्तिष्क, मकरासन शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद। जो ठंड हवा स्पर्श हो रही है, जो ऑक्सीजन आपको प्राप्त हो रहा है, उसको लेने की कोशिश कीजिए। आहिस्ता धीमी गति से बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों के पंजे चेस्ट के नजदीक, सांस भरते हुए भुजंगासन, दोनों हाथों के पंजे ऊपर, पीछे के हाथ साथ मिले हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आहिस्ता दोनों हाथों के पंजों के ऊपर आपका मस्तिष्क, बहुत बढ़िया। धीमी गति से दोनों पैरों को आगे पीछे करते रहिए, ताकि जो आपके पैरों में मोच होती है वो पूरी निकल जाती है धीमी गति से। इस तरीके से टर्न करने की कोशिश करनी है आहिस्ता। पैरों के मसल्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद। धीमी गति से दोनों पैरों को आगे पीछे कीजिए, रिलैक्स मकरासन पोजीशन। सांस धीमी गति से, दोनों हाथों के जो पंजे हैं सपोर्ट लेते हुए धीमी गति से आहिस्ता इस तरीके से पीछे की तरफ, फिर सांस लेते हुए सामने की तरफ, 1 सपोर्ट लीजिए, पैरों को थोड़ा नजदीक लीजिए, 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स, मकरासन पोजीशन, दोनों हाथों के मकरासन पोजीशन, आहिस्ता दोनों हाथों के पंजे को नजदीक लो। इस तरीके से दोनों हाथों के पंजे को नजदीक लो, गर्दन ऊपर की तरफ, कमर के पोर्शन को नीचे की तरफ, धीमी गति से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। उसी तरीके से गर्दन को दोनों हाथों के सेंटर में लेके जाते हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आहिस्ता धीमी गति से फिर से वंस अगेन सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। उसी तरीके से गर्दन को नीचे की तरफ लेते जाते हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आहिस्ता धीमी गति से बैठक पोजीशन में आ जाइए। धीमी गति से दोनों पाँव का सुप्त वज्रासन, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। धीमी गति से इस आसन को प्रॉपर तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों पैरों को ध्यान सामने की तरफ, मन में किसी प्रकार के विचार ना हो, दोनों हाथों की जो मुट्ठियां है अपने के नाभि के सेंटर में रख दीजिए। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ मन ही मन में काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आहिस्ता सांस लेते हुए धीमी गति से ऊपर की तरफ बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। मस्त, बहुत बढ़िया। धीमी गति से दोनों पैरों को नजदीक लीजिए। आहिस्ता दोनों पैरों का बटरफ्लाई कीजिए, जितने दोनों पाँव की मूवमेंट कर सकते हो कोशिश करो। मस्त, बहुत बढ़िया। इसके बाद दोनों पैरों की मूवमेंट करने के बाद हम स्टैंडिंग पोजीशन में चले जाएंगे। आहिस्ता रिलैक्स, तो इसके बाद हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, सभी को खड़ा होना है। स्टैंडिंग पोजीशन में हम एक्सरसाइज करेंगे, हल्की सी आसन करेंगे। दोनों पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, बैठने के बाद पाँव में थोड़ा सा हल्का सा क्रैम्प्स,
तो पैरों को थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे धीमी गति से आहिस्ता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, उसी तरीके से सिंपल पैरों को फोल्ड करना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इजीली धीमी गति से पूरी गहरी सांस भरनी है आहिस्ता, प्रॉपर तरीके से जितनी ज़्यादा आप सांस भर सकते हो कोशिश करो। धीमी गति से कमर को 1 आहिस्ता टर्न कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इजीली एक गहरी सांस भरो, आहिस्ता धीमी गति से छोड़िए प्रॉपर तरीके से। इसके बाद हमें पीछे की तरफ जाना है, दोनों हाथों को साथ लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इजीली पूरी गहरी सांस भर लो आहिस्ता, जितनी ज़्यादा सांस भर सकते हो कोशिश करो, धीमी गति से छोड़िए। इसके बाद क्या करना है हमें, ताड़ासन पोजीशन, दोनों हाथों को आहिस्ता सीधा कर दो प्रॉपर तरीके से, टर्न कीजिए, धीमी गति से साथ मिलाइए, पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीमी गति से उसी तरीके से थोड़ा सा आगे पीछे होना है, आहिस्ता सामने की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। रिलैक्स, एक गहरी सांस भर लो आहिस्ता पूरे बॉडी में, धीमी गति से पूरी गहरी सांस भरिए, आहिस्ता धीमी गति से उसको छोड़ना है। इसके बाद वृक्षासन पोजीशन, धीमी गति से लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर की ग्रिप बनाइए, दोनों हाथों को स्ट्रेट कर दो प्रॉपर तरीके से, नमस्कार पोजीशन कीजिए धीमी गति से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीमी गति से रिलैक्स कर दो, दूसरे पैर को उसी तरीके से जॉइंट्स के ऊपर पंजे को रख दो, धीमी गति से टर्न कीजिए और ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। आहिस्ता धीमी गति से दोनों हाथों के पंजों को सीधा कर दो, रिलैक्स करो, आहिस्ता, मस्त, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे धीमी गति से। तो चलिए हम नीचे बैठ जाते हैं, आहिस्ता। जो स्टैंडिंग में हमने एक्सरसाइज आसन प्राणायाम किए हैं, आसन किए हैं, उससे जो हमारे मसल्स के ऊपर जो थकान होती है उसको कम करने के लिए आहिस्ता दोनों पैरों को थोड़ा नज़दीक ले लो। दोनों पैरों का धीमी गति से मूवमेंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। दोनों हाथों के पंजे जॉइंट्स के ऊपर रखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इजीली दोनों पैरों को नज़दीक लीजिए, आहिस्ता, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दो, पीठ को सीधा, गर्दन सीधी, आहिस्ता, आंखें बंद करने से पहले पूरी गहरी सांस लीजिए। जो ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है उस ग्रीनरी के ऊपर फोकस कीजिए, आहिस्ता। मैं काउंटिंग करता हूँ उस तरीके से, आंखें खुली रखिए, बॉडी के मूवमेंट कुछ भी नहीं, सांस धीमी गति से लेनी और छोड़नी है, शरीर की भी किसी प्रकार की मूवमेंट ना हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अभी क्या करना है, आंखें बंद कर लेनी है, मेडिटेशन की तरह जो आपने ग्रीनरी देखी है, जो हरियाली हमारे आंखों के सामने, उसी प्रतिमा को देखने की कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए। कुछ समय के लिए शांत रहना है, बिल्कुल मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। धीमी गति से जो आप धुन सुन रहे हो या जो पंचों की आवाज आती है, ठंड हवा स्पर्श होती है, उसका आनंद लेना है। बहुत ही बढ़िया। ओम का उच्चारण 11 बार, इसके बाद में पूरे शरीर को शांत कर लो। गहरी सांस भरते हुए आहिस्ता छोड़िए, फिर और एक बार धीमी गति से छोड़िए। ओम का उच्चारण, ओम, ओम, ओम।
कुछ समय के लिए आंखें बंद ही रखनी है। आपका जो श्रद्धा स्थान है, जिस पोजीशन को आप मन ही मन में नाम स्मरण करते हो, उस प्रतिमा को अपने आंखों के सामने लाना है। हमारे श्रद्धा स्थान को, जिसी को आपको मानते हैं, उनके चरणों में हमारा प्रणाम, दोनों हाथों का नमस्कार पोजीशन। नमस्कार पोजीशन में दोनों हाथों को हल्का हल्का प्रेस करने की कोशिश करो, आहिस्ता। उंगलियों को, पांचों फिंगर्स को एक प्रकार का एक्यूप्रेशर हो जाता है। आहिस्ता, जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन ले सकते हो इस हरियाली से, जितना ऑक्सीजन शुद्ध स्वरूप में आप लेते हो, उतना ही आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। 10 times हम क्लैप्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए। जब तक उसमें गर्माहट निर्माण नहीं होती है, तब तक आहिस्ता अपने आँखों को लगाइए, चेहरे को स्पर्श कर दीजिए, पूरे बॉडी को स्पर्श करो। धीमी गति से स्पर्श करते हुए आहिस्ता आंखें खोलने की कोशिश कीजिए। मस्त, बहुत बढ़िया। तब जाके देखो कितना फ्रेशनेस महसूस होता है। तो रेगुलर इसी तरीके से एक्सरसाइज, सिटिंग में, स्टैंडिंग में आसन, शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति और प्राणायाम, तो इस तरीके से जो काउंटिंग के साथ हमने मेडिटेशन किया है, तो उस दौरान हमें हरियाली को थोड़ा फोकस करना है। उतनी हमारे आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर उसी देखी हुई ग्रीनरी को अपने अंतरी मन में देखने की कोशिश करनी है। इससे आपका जो मन में विचार आते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको स्ट्रेस आता है, इन सभी व्याधियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आपका दिन शुभ जाए, ऐसी शुभकामना करता हूँ। मैं नीलेश ठाकरे, योगाचार्य।